वेलकम टू माय चैनल। और अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी आपको प्रबंधन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो जस्ट बिकॉज आई एम डूइंग हार्ड फॉर यू गाइस। सो प्लीज डू अ लिटिल फेवर बाय शेयरिंग दिस वीडियो मोर एंड मोर। आप में से कई लोगों का मैसेज आता है कि सिलेबस को इंग्लिश में भेजने के लिए तो मेरे पास कोई पीडीएफ नहीं है, मैंने जो सिलेबस बनाया है या फिर मैंने जो सिलेबस डिस्कस किया है वो सिर्फ मैंने उससे ही निकाला है जो चीजें मुझे लगती हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और जो सिलेबस है उसमें ये कहने की कोशिश की गई होगी, क्योंकि आपका सिलेबस जो है वो बहुत छोटा सा है, चीजें बहुत लिमिटेड दी हैं, कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा लिख दी हैं और कुछ के बारे में कुछ लिखा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि सिलेबस में नहीं है और एग्जाम में आती हैं। सो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, आपका जो सिलेबस है वो इस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ सिलेबस पे डिपेंड होकर तैयारी कर सके। आपका सिलेबस जो है वो कब बना था, किसने बनाया था, तब से अभी तक उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। सो आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे रिलाई नहीं कर सकते। बट ये चीज मैंने पहले भी बोली थी कि आपका सिलेबस जो है वो कुछ नहीं है, आपका बीपीएड का ही सिलेबस है, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, इतना है। करंट अफेयर्स जो है वो उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो भी जो है वो आपके फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड ही होंगे। सो आज के वीडियो के बारे में बात करें, दैट इज मैनेजमेंट एंड फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा में प्रबंधन के बारे में। तो यहाँ पर भी जो चीजें लिखी हुई है आपके सिलेबस में बहुत कंफ्यूजिंग है, कुछ ऐसे वर्ड्स भी लिखे हैं जिसका मतलब ढूंढना भी बड़ा मुश्किल था, बट स्टिल आई जस्ट फाउंड सम थिंग्स जो कि आपके लिए हेल्पफुल है और शायद इतनी चीजें हैं जो आपके सिलेबस को पूरा कर देगी। सो यहाँ पर आपको जो चीजें पढ़नी है, दे आर ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी संगठन और प्रशासन जो है वो क्या है। सेकेंड इज स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें बजट, फाइनेंस, सुपरविजन, ये सब आता है आपके एडमिनिस्ट्रेशन और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद आपको पढ़ना है कि इक्विपमेंट्स जो है वो क्या है, कितने तरह के होते हैं, आपको उन इक्विपमेंट्स का ख्याल कैसे रखना है, प्लेग्राउंड जो है वो कैसा होना चाहिए, जिमनेजियम कैसा होना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। फिर बात आती है टाइम टेबल, यानी समय सारणी। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि जो टाइम टेबल है वो क्या होता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ टाइम टेबल, टाइम टेबल के फंक्शन क्या होते हैं, क्यों बनाया जाता है, कैसा होना चाहिए टाइम टेबल। फिर हम बात करेंगे टीचिंग मेथड्स के बारे में, टीचिंग मेथड्स जो हैं वो भी आते हैं एग्जाम में, पूछे जाते हैं। फिर आएगी बात लेसन प्लान की, लेसन प्लान यानी पाठ योजना जो है वो क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कैसी पाठ योजना होनी चाहिए एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए। फिर क्वालिटीज ऑफ टीचर पे बेस्ड तो एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, और वो सबको पता है कि कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए टीचर की, जस्ट बिकॉज सब बहुत बड़े वाले टीचर हैं। फिर आती है बात टूर्नामेंट की, तो टूर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं कि टूर्नामेंट क्या है, कितने टाइप के होते हैं, 22 कब दिए जाते हैं, कितने 22 देते हैं, या फिर नंबर ऑफ टीम्स लिखा होता है, पूछा जाता है कि अगर नॉकआउट कराएंगे तो 22 कितने देने होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। और एक्स्ट्रा म्यूरल और इंट्रा म्यूरल, इतनी सारी चीजें जो हैं ये आपको कम से कम इतनी चीजें तो पढ़नी ही है अगर आप मैनेजमेंट इन स्पोर्ट्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ चीजें होंगी, अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने कुछ छोड़ दिया है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसे भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन की। ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं संगठन और एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं प्रशासन। तो अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन के दो मतलब होते हैं, एक तो संगठन जो कि लोगों का समूह होता है, दूसरा क्या है, अगर हम चीजों को जो करते हैं उसको भी हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जैसे आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हो तो आप उसको भी ऑर्गेनाइजेशन कहते हो। तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर जिस ऑर्गेनाइजेशन के मतलब की बात कर रहे हैं वो है संगठन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल या फिर लोगों का ऐसा समूह जो किसी एक ही गोल के लिए, एक ही लक्ष्य के लिए कार्य करे, ऐसे लोगों के समूह को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बहुत सारी एसोसिएशंस होती हैं, जो पार्टीज होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी, वो भी एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। क्यों? क्योंकि वहां भी लोगों का समूह है जो
किसी एक लक्ष्य के लिए काम कर रहा है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो चार इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वो लोगों का समूह होता है, एक लोग में ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। फिर दूसरा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके जो लोग हैं वो एक ही गोल के लिए कार्यरत रहते हैं, यानी उन सब का जो गोल है, लक्ष्य है, वो एक होता है क्योंकि वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हर एक इंसान का, हर एक व्यक्ति का अपना एक रोल होता है, अपने जो भी है कर्तव्य होते हैं जो कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में रहकर निभाते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो साथ मिलके अपना काम करते हैं और उनमें एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन होता है। फिर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? काम करने की उस प्रक्रिया को हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके काम करने के प्रारूप को ही हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन या फिर प्रशासन। तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है कि वहाँ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, जो भी उनके रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सके, जो भी ऑर्डर्स हैं या फिर जो भी उनके मैसेज हैं, कम्युनिकेशन है, वो प्रॉपर हो सके। तो एक ये फंक्शनल प्रोसेस होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? वो एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, एक ढांचा है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक फंक्शनल यूनिट है जो कि काम करता है। फिर अगर हम इसके एलिमेंट्स की बात करें कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं एडमिनिस्ट्रेशन में यानी प्रशासन में, तो सबसे पहली चीज है प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होता है? बहुत हम सब जानते हैं प्लानिंग क्या है। जैसे अभी हमने यूपी टीजीटी के लिए भी एक प्लान बनाया था एक हफ्ते पहले कि हम चीजों को किस तरह से करेंगे। तो प्लान क्या है? कुछ भी काम करने से पहले उसका एक लेआउट बनाना कि वो करना कैसे है, करने से पहले ये डिसाइड करना कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसको कहते हैं प्लानिंग यानी योजना। जो प्लानिंग है वो हमेशा करने से पहले की जाती है, करने के बाद नहीं की जाती। प्लानिंग जो है वो क्या करती है? वो आपको ये बताती है कि आपके पास जो चीजें हैं या फिर आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, आपके पास जो लोग हैं, आपके पास जो मनी है, उसको आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकें फ्यूचरिस्टिक वे में। यानी आपकी जो प्लानिंग है वो करी तो काम से पहले जाती है बट वो फ्यूचरिस्टिक वे में की जाती है, आगे का देख के की जाती है। एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग प्रोसेस होता है, यानी सोच समझ के की जाने वाली चीज है। तो ये है आपकी प्लानिंग। फिर बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, तो ऑर्गेनाइजिंग क्या है कि आपके पास जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी आपके पास मटेरियल है, जो भी आपके पास मनी है, उसको इस तरह से अरेंज करना कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सके। फिर बात आती है स्टाफिंग की, तो स्टाफिंग में एक चीज बोली जाती है राइट जॉब टू द राइट पर्सन। स्टाफिंग का एक रूल है कि आप जब भी स्टाफिंग कर रहे हैं, स्टाफिंग का मतलब कि आप जो काम आपको करना है वो लोगों को देना, या फिर उस काम को करने के लिए आप लोग रखते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टाफिंग। तो स्टाफिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज यही होती है कि जो इंसान जिस काम में दक्ष है, जिस कार्य के लिए योग्य है, उसको वही कार्य दिया जाए। दिस इज द इफेक्टिव स्टाफिंग। फिर है डायरेक्टिंग। अगर आपके पास स्टाफ है बट जब तक आप उन्हें डायरेक्ट नहीं करेंगे आप उनसे इफिशियंट रिजल्ट नहीं ले सकते जब तक आपका डायरेक्शन नहीं अच्छा है। डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। डायरेक्शन जो है वो उनको इंकरेज करता है कि उन्हें क्या करना है, मोटिवेट करता है, उन्हें बताता है कि किसको क्या करना है। फिर बात आती है कोऑर्डिनेशन की। जहां भी स्टाफ है यानी कई सारे लोग हैं जो किसी एक गोल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो तभी हमारा जो गोल है वो अचीव होगा जब लोगों में कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन अलग अलग तरह के लोग जो है वो अलग अलग काम करते हैं बट उन सबका जो गोल है, उन सबको जो काम करना है वो किसी एक लक्ष्य के लिए करना है या फिर एक चीज को अचीव करने के लिए करना है। तो अगर हर कोई अपने अपने हिसाब से काम करेगा या फिर हर किसी के गोल्स अलग अलग होंगे, उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो आपको जो गोल है उसको अचीव करना मुश्किल होगा। तो
जो भी स्टाफ है, जो भी रिसोर्सेज है, उसमें कोऑर्डिनेशन होना भी इम्पॉर्टेंट है। फिर बात आती है रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्ड्स की। किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो रिकॉर्ड्स और रिपोर्टिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा जो मैनेजर है, जो उसकी हाई अथॉरिटी है, वो सबसे नीचे वाले या फिर जो सबसे लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं वो डायरेक्ट उनसे जाके नहीं मिलते, उनका कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होता है, तो उनके पास जो चीज़ें पहुंचती हैं वो स्टेप बाय स्टेप पहुंचती हैं, जो कि रिपोर्ट और रिकॉर्ड के फॉर्म में उन तक पहुंचती हैं। इसलिए चीज़ों का जो रिपोर्ट और रिकॉर्ड दोनों इम्पॉर्टेंट है, ताकि उनको फ्यूचर में उस चीज़ को यूज़ किया जा सके जब उनको नीड हो। देन द लास्ट इज बजटिंग। बजटिंग क्या है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिर बात करें फाइनेंस और बजट के बारे में, तो फाइनेंस क्या है? जो भी मनी है उसके मैनेजमेंट को हम कहते हैं फाइनेंस। फाइनेंस यानी हिंदी में जैसे कहते हैं वित्त। तो जो भी आपके पास इनकम है, एक्सपेंडिचर है, आप जो फंड्स हैं वो कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, वो किस तरह से खर्च हो रहे हैं, इसके पूरे मैनेजमेंट को हम कहते हैं फाइनेंस। फिर बात आई बजट की, जो बजट है वो क्या है? तो बजट क्या है? दैट इज अ प्लान फॉर एक्सपेंडिचर। आप जो है वो किस तरह से खर्च करेंगे, आपकी इनकम का सोर्स क्या है, आपके पास कितनी इनकम है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको किस तरह से उनको रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, ये सारी चीज़ दिमाग में रख के प्लान करना अपने एक्सपेंडिचर को, इस कॉल्ड बजट। सो जो बजट है वो एक स्टेटमेंट है, आपके इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच का एक रिलेशन है बजट। अगर हम बजट की बात करें तो बीइंग अ फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपको अपने स्कूल्स में इक्विपमेंट खरीदने के लिए, ग्राउंड को मेंटेन करने के लिए, जिमनेजियम के लिए और बहुत सारे इक्विपमेंट्स या एसेंशियल्स जो आपको टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड है, उनको खरीदने के लिए आपको एक बजट बनाने की नीड पड़ती है। आपके स्कूल की इनकम के अकॉर्डिंग, आपके स्कूल के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग, आपके स्कूल की नीड के अकॉर्डिंग, वहाँ के बच्चों की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे बजट बनाना होता है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो परचेज करनी है, कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं आप एक फाइनेंशियल ईयर में। सो जो बजट है वो यूजुअली एक फाइनेंशियल ईयर का ही बनाया जाता है, एक साल के लिए जो है बजट बनाया जाता है। अगर हम एक अच्छे बजट की क्राइटेरिया की बात करें तो एक अच्छा बजट वो है जो एक फाइनेंशियल ईयर की या फिर जितने भी फाइनेंशियल ईयर के लिए वो बजट बनाया जा रहा है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा कर सके। फिर वो जो बजट है इट शुड बी रियलिस्टिक एस्टिमेट। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चीज़ें जो है ऐसी खरीदनी जिसकी नीड ही नहीं है, या फिर कोई चीज़ बहुत महंगी थी स्टिल आपने उसे परचेज कर लिया। सो इट शुड बी रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल। फिर इट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। जो भी बजट है वो हमेशा एक्सपेंडिचर से पहले बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि आपने खर्च करना पहले शुरू कर दिया, उसके बाद आपको लगा कि नहीं हम बजट भी बना लेते हैं तो फिर आप अपना बजट प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बजट जो है वो हमेशा पहले से बनाया जाता है जस्ट बिकॉज इट्स अ प्लान। फिर जो आपका बजट है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपके किसी फाइनेंशियल ईयर में कुछ चीज़ें बदल जाती हैं या फिर किसी के रेट बढ़ जाते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा है जो आपको उसमें इंक्लूड करनी है तो आप उसमें चीज़ें इंक्लूड कर सके, तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप कुछ चीज़ें कम ज़्यादा करके कोई दूसरी चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। बजट बनाने के स्टेप्स की बात करें तो जब भी आप बजट बनाएं तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि पिछले 3 साल का कम से कम आप बजट देखें, कौन सी चीज़ें खरीदी गई हैं, कौन सी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, किस चीज़ के जो प्राइस है वो बढ़ गए हैं। इसके बाद हमने जो भी बजट बनाया है या फिर जो भी ड्राफ्ट तैयार किया है सॉर्ट ऑफ, वो आप अपनी हायर अथॉरिटी को देते हैं उसका एक ब्लूप्रिंट। अगर उन्हें वो चीज़ें समझ में आती हैं तो वो अप्रूव करते हैं या फिर उसमें कोई मॉडिफिकेशन के लिए वो आपको रिकमेंड करते हैं। सो दिस इज बजट। और इतने ही क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो बजट है वो क्या है, बजट जो है वो कितने साल के लिए बनाया जाता है, इनमें कौन कौन सी क्वालिटीज है जो बजट में होनी चाहिए या इसमें कौन सी चीज है जो एक बजट में नहीं होनी चाहिए। यूजुअली ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं। फिर बात आती है सुपरविजन की। जो सुपरविजन है वो क्या है और हिंदी में सुपरविजन को क्या कहते हैं ये आप खुद चेक करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सुपरविजन को हिंदी में क्या कहते हैं, और ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है, सो सर्च इट आउट। सो सुपरविजन क्या है? सुपरविजन का मतलब है टू इंस्पेक्ट या फिर फॉल्ट फाइंडर। तो सुपरविजन का मतलब है टू इंस्पेक्ट, यानी चीजों का इंस्पेक्शन करना, एंड फॉल्ट फाइंडर उसमें जो कमियां हैं उनको निकालना। ये दो काम होते हैं सुपरविजन के। पहला,
चीजों को इंस्पेक्ट करना या फिर देखना, उनका इंस्पेक्शन करना। दूसरा, उसमें से जो गलतियां हैं वो निकालना। सुपरविजन का अगर मतलब देखें तो सुपर का मतलब होता है ओवर एंड विजन का मतलब होता है टू वॉच और टू सी, मतलब टू वॉच ओवर, यानी जो लोग काम कर रहे हैं उनको देखना कि वो काम कर रहे हैं या नहीं। दिस इज कॉल्ड सुपरविजन। सो जो सुपरविजन है ये एक इफेक्टिव प्रोसीजर है वॉचफुलनेस का और फॉल्ट फाइंडिंग का। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि सुपरविजन में आपको वो कीवर्ड्स हैं जो कि याद रखने हैं। सुपरविजन का मतलब है कि वहाँ जो भी पॉजिटिव आउटकम है उनको स्ट्रेंथन करना और जो भी वहाँ पर हिंड्रेंस है उनको कम करना या वहाँ से रिमूव करना, ये ही एक सुपरवाइजर का काम। फिर बात करें फैसिलिटीज एंड इक्विपमेंट के बारे में, तो सबसे पहली चीज की इक्विपमेंट क्या होता है, तो जो भी चीजें आपको फिजिकल मूवमेंट्स करने के लिए, टीचिंग पर्पस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, कंपटीशन के लिए, जो भी आपको आइटम्स रिक्वायर्ड है उनको हम कहते हैं इक्विपमेंट। इक्विपमेंट को जो हमने क्लासिफाई किया है दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक है अकॉर्डिंग टू नेचर, तो दो तरह के इक्विपमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर, एक है परमानेंट और एक है टेम्परेरी। परमानेंट में वो चीजें आती हैं जो कि खराब नहीं होती हैं, जैसे कि गोल पोस्ट जो है वो इजिली खराब नहीं होते, ऐसे कोरोड नहीं हो जाते हैं, कई सालों तक चलते हैं, तो ये जो चीजें हैं वो परमानेंट में आती हैं जो इजिली खराब नहीं होती हैं। और टेम्परेरी में आएंगे आपकी शटल कॉक, बॉल्स, ये सारी चीज जो है जो कि खो जाती हैं, फट जाएंगी, टूट जाएंगी, तो ये जो चीजें हैं ये आती हैं आपके टेम्परेरी इक्विपमेंट्स में जो कि आपको जल्दी जल्दी रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के इक्विपमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू नेचर है, एक है परमानेंट और एक है टेम्परेरी। फिर अकॉर्डिंग टू यूज जो है आपने चार तरह के हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है टीचिंग, यानी वो इक्विपमेंट्स जो हमें टीचिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। टीचिंग के लिए हमें जो इक्विपमेंट्स चाहिए वो हो सकते हैं कोन्स हो सकते हैं, हुप्स हो सकते हैं, तो ये जो इक्विपमेंट्स है वो हमें टीचिंग पर्पस के लिए चाहिए होते हैं। ट्रेनिंग के लिए, तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए हमें जो इक्विपमेंट चाहिए, तो ट्रेनिंग पर्पस के लिए हमें इक्विपमेंट्स चाहिए वो वेट्स हो सकते हैं, डंबल्स हो सकती हैं, रॉड्स हो सकती हैं, जिम के इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, मेडिसिन बॉल हो सकती है, तो ट्रेनिंग के लिए आपको जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो इसमें आते हैं। फिर कॉम्पिटिशन, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जो हम सिर्फ कॉम्पिटिशन के टाइम ही यूज करते हैं, तो वो होते हैं कॉम्पिटिशन के लिए, जो कि अलग अलग गेम के हिसाब से अलग अलग इक्विपमेंट्स होते हैं। एंड द लास्ट वन इज सेफ्टी इक्विपमेंट। सेफ्टी इक्विपमेंट मतलब जो सेफ्टी के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे क्रिकेट में जो भी आप पैड ग्लव्स यूज करते हैं वो सेफ्टी के लिए यूज करते हैं। अगर हम फुटबॉल की बात करें तो वहां पर शिन गार्ड का यूज करते हैं, जो वॉलीबॉलर्स हैं वो नी कैप का यूज करते हैं, तो ये सारे जो है आपके सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं। तो ये है इक्विपमेंट का क्लासिफिकेशन। फिर बात आती है कि आपको जो इक्विपमेंट है उनको किस तरह से उनकी केयर करनी है, उनका मेंटेनेंस करना है, क्योंकि जो इक्विपमेंट है वो ऐसे नहीं है कि आप हमेशा उन्हें बार बार खरीद सके, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास जो इक्विपमेंट है आप उनका ख्याल रखें। सबसे पहली चीज है कि इक्विपमेंट को रखने के लिए अलग से रूम होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, जहाँ भी प्लेग्राउंड्स है वो उनके पास में होना चाहिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो भी आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको आपको अच्छी कंडीशन में और साफ करके रखना है, ताकि उसमें जंग ना लगे या फिर उसमें मिट्टी की वजह से जो चीज़ है वो खराब ना हो जाए, कोई चीज जाम ना हो जाए, तो उनको आपको साफ करके रखना है। देन उनको आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि आपके कौन कौन से इक्विपमेंट्स आपके पास हैं। फिर जो आपके इक्विपमेंट्स हैं उनको आपको स्टाम्प करके रखना है या फिर वहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूशन है उसका नाम लिखवाना है, सो दैट वो खो ना जाए या फिर किसी और से रिप्लेस ना हो आपके जो इक्विपमेंट्स हैं। आपको जो इक्विपमेंट्स हैं वो रेगुलर चेक करते रहना चाहिए कि कोई इक्विपमेंट जो है वो खराब तो नहीं हो रहा है या फिर किसी को रिपेयरमेंट की जरूरत तो नहीं है। जैसे जो भी आपके गोल पोस्ट होते हैं वो आपको समय समय पर उनको पेंट कराते रहना चाहिए, ताकि उसमें जंग ना लग जाए और वो खराब ना हो जाए। फिर आपके जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनमें जो भी माइनर रिपेयर की जरूरत है वो आपको कराते रहना चाहिए, सो दैट वो लंबे समय तक चले और आपको बार बार उनको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। फिर यहाँ पर एक और चीज आती है, ग्राउंड्स और जिम्नेजियम। तो ग्राउंड्स और जिम्नेजियम है क्या? प्लेग्राउंड तो ओपन एरिया है जहां पर आप क्रिकेट फुटबॉल जैसे गेम खेलते हैं, बहुत सारे गेम खेल सकते हैं। जिम्नेजियम जो है क्लोज एरिया है, वहां पर भी आप एक्टिविटीज कर सकते हैं, लेकिन वो जगह थोड़ी लिमिटेड होती है। प्लेग्राउंड जो है वो यूजुअली बड़े होते हैं, या फिर जो भी स्कूल है वहां पर प्लेग्राउंड होना मस्ट है, ताकि वहां के बच्चों को जो है वो खेलने की प्रॉपर जगह मिले, उनको वहां पर सनलाइट मिले, उनको एरिया मिले वहां पर वो गेम्स खेल सके, उनकी जो भी फिजिकल फिटनेस है ये सारी चीजें इंप्रूव हो सके। इसलिए किसी भी स्कूल में प्लेग्राउंड और जिम्नेजियम जो है इनका होना इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी आपका प्लेग्राउंड है वो आपके स्कूल की स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए,
अगर स्कूल में स्ट्रेंथ ज्यादा है, बच्चे ज्यादा है, तो प्लेग्राउंड जो है वो बड़ा होना चाहिए। जिमनेजियम जो है वो इसलिए होना चाहिए कि अगर रेनी सीजन है या फिर बाहर बहुत धूप है तो भी आप उन्हें एक्टिविटीज करा सके, इसलिए आपको जिमनेजियम की नीड पड़ती है। जो भी आपका जिमनेजियम है वो ऐसा होना चाहिए कि बहुत बंद ना हो, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन हो, आने जाने की जो सुविधा हो वहां पर प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए, चेंजिंग रूम होना चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो किसी भी प्लेग्राउंड या फिर जिमनेजियम के पास होनी चाहिए।